सागर जिले के धर्मशी में समुदाय विशेष द्वारा जिंदा जलाए गए धनप्रसाद अहिरवार की मौत के बाद राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। बीते दिनों से भाजपा कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बाद मंगलवार को घटना के विरोध में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पीली कोठी के पास स्थित मैदान में धरना प्रदर्शन दिया। इस पर अब भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, मीडिया प्रभारी शोभा ओझा और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं द्वारा घृणित राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा फूट डालो और राजनीति करो की नीति अपना रही है। स्वर्गीय धनप्रसाद को जिंदा जलाने की घटित घटना को लेकर घृणित राजनीति करने सागर आए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता पीड़ित परिवार में फूट डालकर राजनीति करना चाहते हैं और उनकी अंतिम यात्रा के दौरान भी आरती रखने झूमा झपटी की गई। भारतीय जनता पार्टी सागर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की गरज से इस तरीके के कार्यक्रम करती है। जब मृतक परिवार, मृतक के पिता धनी निजाम अहिरवार, मृतक के भाई धनीराम अहिरवार लिखित में कहते हैं कलेक्टर एसपी से कि ये आपको वीडियो इसमें प्रोजेक्टर से के माध्यम से दिखाया गया है, आवेदन देते हैं लिखित में कि हम सागर में हम अब कुछ नहीं चाहते, जिनसे कोई राजनीतिक दल हमारे बच्चे के नाम पर राजनीति ना करे। और इसके बाद सुना से भी जाके वहां इस तरीके से कर रहे हैं, क्या हो गया इनको? ये कहते हैं कि हम पूरे समाज को एक परिवार मानते हैं। कैसे मानते हो आप? मृतक के यहाँ संवेदनाएं देने के यहाँ फूट डालने जाते हो, उसकी पत्नी को पुचकार के तरफ से पहला फुसला कर आप अपने राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करते हो, आपकी यही सद्भावना है महिलाओं के प्रति? इस पूरे मामले से मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। यह घटना 14 जनवरी की है। 14 जनवरी को सागर के धर्मशील निवासी धनप्रसाद अहिरवार को पड़ोसियों से आपसी विवाद में मिट्टी का तेल डालकर चलाने की घटना हुई थी। जैसे ही यह घटना मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मैंने लाई, उन्होंने तत्काल निर्देशित किया कि परिवार की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए, युवक का बेहतर इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिला प्रशासन ने तत्काल रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता प्रदान कर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया, जहां पर उसका इलाज चला। बाद में जब लगा के इलाज के अंदर और बेहतर इलाज की आवश्यकता है, तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सरकारी खर्च पर 4,16,000 रुपए से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दिल्ली के सफदरगंज इलाज में इलाज के लिए भेजा, जहां पे उसका इलाज हुआ। अब भाजपा के मैं झूठ आपके समक्ष बताना चाहता हूं, जो भाजपा पहले दिन से झूठ बोल रही। राकेश सिंह जी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि 25-30 लोगों ने घेर कर चला दिया और पुलिस आरोपियों को पकड़ने नहीं, 2-3 लोगों को पकड़ा। हमारे पास FIR की कॉपी है जिसके अंदर मृतक ने 4 लोगों के नाम दर्ज कराए। हमारे पास मृत्यु पूर्व कथन है जिसके अंदर एक नाम बढ़ाते हुए 5 लोगों के नाम दर्ज कराए। अब जब फरियादी 5 लोगों के नाम बोल रहा है, तो क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भोपाल से बैठ के 30 लोगों के नाम लिखा देंगे और 30 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? फरियादी के बयान में 5 लोग दर्ज है, पहला झूठ। दूसरा, इन्होंने कहा परिवार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। 4,12,000 रुपए अभी तक मृतक के अकाउंट में जा चुके हैं, चूंकि एक कार्रवाई रहती है, चालान पेश होने के बाद पूरी 8 लाख की राशि मिलती है। 4,12,000 अभी तक हम उसके खाते में डाल चुके हैं। 60,000 रुपए हर्ष यादव जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा अनुदान से उनके राशि प्रदान करी है। रेड क्रॉस की सहायता इसके अलग है। दूसरा, तीसरा उनका झूठ कि एक भी सरकार का मंत्री उससे पीड़ित से अस्पताल मिलने नहीं गया। हमारे पास प्रमाण है, मंत्री हर्ष यादव, मंत्री आरिफ अकील, मंत्री पीसी शर्मा मिलने गए। ये इनका तीसरा झूठ, मिलने गए। अब उसके बाद ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेहतर इलाज नहीं हुआ, आरोपियों को नहीं पकड़ा। आरोपियों को हमने पकड़ा जा चुका है। इन्होंने लगातार बयानबाजी करी और इसको सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया ताकि सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। जब बयानबाजी से इनका मन नहीं भरा तो कल ये सब लोग सागर पहुंच गए और बड़ा ही शर्मनाक है कि सागर कैसे गए, ये गाड़ियों के रूप में, रैली के रूप में गए, हार फूल पहन के स्वागत करा रहे जैसे कोई विजय जुलूस निकालने गए। अरे, एक दलित युवक की मौत पे आप लोग गए हैं तो हार फूल से स्वागत करा रहे, हंसते हुए इनके फोटो आए, इन्होंने बड़ी सभा करी, लंबे चौड़े भाषण दिए। अरे, आपको जरा भी संवेदना होती तो पीड़ित के घर जाते, आर्थिक मदद करते, शोक संवेदना व्यक्त करते, लेकिन आप तो लंबे चौड़े भाषण देते रहे। और कल इन्होंने बड़ी घृणित राजनीति खेली, जिस प्रकार से मंदसौर में इन्होंने गोली चलवाई थी और गोली चलवाने के बाद जो पीड़ित मृतक के परिजन थे शोक में उनको उठाकर भोपाल के उपवास स्थल पर ले आए थे, कल वैसे ही मृतक की पत्नी जो पूजा है उसको मंच के सामने इन्होंने 5वें दिन, ये घटना के अभी 5 दिन हुए, उसको बैठाए रखा और पूरे भाषण देते रहे। और उसके बाद
सबसे बड़ा मतलब शर्मनाक बात है कि शोक की अवधि की जो 13 दिन की अवधि है उसके बीच में से उठाकर और परिवार में फूट डाल दी। एक तरफ मृतक के पिता भाई सब एक तरफ है जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी शव यात्रा में भाजपा के विधायक शैलेंद्र और प्रदीप लारिया ने शव यात्रा को छीनने का प्रयास किया, वो एसपी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसी फूट डाल दी पैसे को लेके गुमराह करके एक महिला को कि उसको परिवार के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और एक एक परिवार ने अपना सदस्य खोया है। लेकिन भाजपा ने घृणित राजनीति मंसूर की तरह खेलते हुए परिवार में फूट डाल दी, ये इनका घिनौना चेहरा है। कोई इन्होंने आर्थिक मदद नहीं करी, कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी, सिर्फ राजनीति कर लंबे चौड़े भाषण देके चले आए। परिवार की मुख्यमंत्री जी ने सहायता करी, इलाज सरकार ने कराया और उसके बाद उस परिवार ने नौकरी के लिए आवेदन दिया है जिसके ऊपर भी स्वीकृति मिल गई है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी को लेकर भी शासन ने स्वीकृति दे दी है। सारी मांगे मंजूर हो चुकी है लेकिन भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहती है और राजनीति का गंदा खेल खेल रही है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।